नमस्कार दोस्तों, एक और ऑब्जेक्टिव के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे साइंस का 20 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपका एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको क्लास 10th 2024 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का आपको रिवीजन करवाया जाएगा। चलिए एक नंबर में स्टार्ट करते हैं। किसी वल्व से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का मान देखिए, एक मिनट में 60 सेकेंड और 120, तो 120/60 यानी 2 एम्पियर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, यानी ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो देखिए आपका एमीटर में होता है, बॉन्ड मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है, कुंडली में नहीं होता है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, फैराडे ने, ऑप्शन नंबर ए। एक उत्तन लेंस होता है, देखिए उत्तन लेंस इस तरह से होता है, यानी बीच में मोटा कोना में पतला, तो यानी ये आपका हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है, नाभिकीय, ये आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दर्पण सूत्र है, 1/V + 1/U = 1/F, यानी 7 का ए। अगर आपको लेंस सूत्र पूछे तो प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, 1/V - 1/U = 1/F। टिंडन का प्रभाव कहाँ देखा जाता है, जंगन में, ए नंबर। तारा के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो देखिए नेत्र पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी। अवतन लेंस के आवर्धक क्या होता है, अवतन लेंस का आवर्धन होता है V/U। अगर आपको उत्तन लेंस का पूछे तो -V/U। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, R = 2F, ठीक है, R = 2F, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो देखिए उत्तन लेंस होता है, ठीक है, मानव नेत्र में उत्तन लेंस। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पे, सी नंबर। विद्युत जनरेटर का सिद्धांत काम करता है, तो देखिए विद्युत जनरेटर का सिद्धांत जो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है, तो देखिए बायोगैस का स्रोत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो देखिए कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर भी है, तो ये सभी हो जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खतरे के संकेत को प्रकाश किस रंग का होता है, तो ये आपका हो जाएगा रेड, डी नंबर, ठीक है। खतरा का संकेत जो होता है वो रेड होता है, तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात, यानी जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो देखिए जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को कहते हैं शक्ति, शक्ति का होता है वाट, 1 वाट। चुंबकीय के सजातीय ध्रुव, अगर एक ध्रुव यानी सजातीय ध्रुव रहेगा तो प्रतिकर्षण, और अगर विजातीय ध्रुव रहेगा तो आकर्षण। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो ये आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बी नंबर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि क्षमता का फार्मूला होता है 1/F, तो 1/M यानी मीटर इनवर्स। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, तो ये आपका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है, तो बराबर हमेशा होता है समतल दर्पण में, ठीक है, बराबर हमेशा क्या होता है समतल दर्पण में, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको इस वीडियो में 26 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव आपको बताया। आप लोग एक एक करके सभी को रट जाइए, ठीक है, ये सभी आपका एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक भी छोड़िए मत, ठीक है, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में तो काम आएगा ही आएगा, आगे जब पढ़ाई करोगे तो साइंस के लिए ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए मिलेंगे बच्चों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आपको इसका PDF चाहिए
तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, आपको यहाँ पर रोज़ ऑब्जेक्टिव का 4-5 वीडियो आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।